बरखा मेरी हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एक्सप्लोर माय डेली लाइफ स्टाइल में। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ कल का ब्लॉग मॉर्निंग का शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कल हम लोग मॉर्निंग में मॉर्निंग के 6 बजे ही हम लोग गए थे डुमना नेचर पार्क, जो कि MP के जबलपुर में आता है। तो वहाँ पर सुबह सुबह साइकिलिंग कराई जाती है, क्योंकि वहाँ पर मॉर्निंग में अगर साइकिलिंग करने जाते हैं तो आपको हिरन देखने को मिल सकते हैं या फिर पिकॉक भी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, तो कि बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, वॉल पे कितनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है। कैसा लगा आप लोग को साइकिल की सवारी? आप लोगों को तो अच्छा ही लगा होगा, अच्छा तो मुझे नहीं लगा ना, चेतावनी। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए आए थे, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं, मैं साइकिल चला ही नहीं पाई, बहुत कोशिश की बट हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो हस्बैंड और डॉटर ही गए थे अंदर की तरफ, दिखाना बहुत कुछ था आप लोगों को, लेकिन मेरे कारण सारा प्लान चौपट हो गया। तो उनके आने के बाद मैं थोड़ा सा घूमना ही स्टार्ट किया अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को चेतावनी दिखा देती हूँ कि आगे एक बहुत बड़ा तालाब मिलेगा और उसमें बताया जाता है कि मगरमच्छ हैं, तो इसलिए हमें किनारे की तरफ जाना अलाउ नहीं होता है। और दोपहर के टाइम यहाँ पर भीड़ हो जाती है, तो हिरन दिखना मुश्किल होता है, इसलिए मॉर्निंग में आया जाता है कि शायद हिरन दिख जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह का सनराइज़ देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आए थे, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो हस्बैंड भी बहुत जल्दी ही लौट आए थे साइकिलिंग करके। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो अंदर की तरफ घूम लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि शायद मॉर्निंग में हिरन दिख जाए हमें, लेकिन दिखा ही नहीं हम लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे एक पॉइंट जहाँ पे बैठा जाता है वहाँ पे, और जहाँ से बैठ के फिश को दाना खिलाया जाता है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जा रही हूँ अभी। और आप लोग देख सकते हैं कि हरियाली कितनी है यहाँ पे। यहाँ पे हस्बैंड को कुछ दिखा था शायद, जैसे लगा कि कुछ है, आवाज़ आ रही थी, लेकिन जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखा हम लोगों को। यहाँ पे मेरी डॉटर को कुछ दिखा था, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे बर्ड्स हैं जो बैठे थे, लेकिन हमारी आहट से ये सारे उड़ गए। तो मैं इसे कैमरे में कैच कर ली हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा देखने में। वो तो बैठे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं फिश पॉइंट पे आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं पास जाके दिखा रही हूँ जूम करके, कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और यहाँ से ऊपर बैठ के आप ऊपर से दाना फेंकेंगे, जो भी हो, आटा हो, जो भी बिस्किट हो, आप ऊपर से डालेंगे तो ये खाने के लिए आती हैं। और यहीं पर किनारे पर मछलियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर से बैठ के खिलाते हैं, तो मछलियों को भी पता है कि हमें यहाँ पर दाना मिलता है, तो ये यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम आधे घंटे बैठ के यहाँ का नज़ारा देखे, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का नज़ारा देख के। और आप लोगों को शायद मछलियाँ दिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा थी और बड़ी बड़ी थी। तो यहाँ से हम लोग फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा डुमना नेचर पार्क का। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ का मैं चलते चलते आप लोग को थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।